राष्ट्रपति पद के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और ये मुकाबला रामनाथ कोविंद और मीरा कुमार के बीच है। रामनाथ कोविंद एनडीए और मीरा कुमार विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार है, लेकिन विपक्षी दलों में चल रहे घमासान का फायदा भी रामनाथ कोविंद को मिल सकता है। एसपी में पिछले कई महीनों से चल रही रार, बीएसपी में निजामुद्दीन कैंप में सेनदारी का फायदा एनडीए उम्मीदवार को मिल सकता है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और एसपी विधायक शिवपाल यादव एनडीए समर्थित उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को मतदान कर सकते हैं। दोनों नेता पहले ही इस तरफ इशारा कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि इन दोनों के अलावा अखिलेश यादव से असंतुष्ट पार्टी के आधे दर्जन और विधायक भी कोविंद को वोट दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बीएसपी में भी 4 या 5 ऐसे विधायक हैं जो कोविंद के समर्थन में वोट डाल सकते हैं। बता दें कि एनडीए के पास पहले ही बहुमत से ज्यादा मत है, लेकिन अपनी पार्टी से असंतुष्ट विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पार्टी से बदला लेने का अच्छा मौका नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक भविष्य को ध्यान में रखकर कुछ निर्दलीय विधायक भी रामनाथ कोविंद को अपना वोट दे सकते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।